आप सोच के देखिए कि मुंबई टेरर अटैक, मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर सवाल पूछे जाएं, किससे? उस वक्त की कांग्रेस सरकार से नहीं बल्कि बीजेपी से सवाल उठाए जाएं, किसके ऊपर? उस वक्त के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के ऊपर नहीं बल्कि आज के प्रधानमंत्री के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर सवाल उठाए जाए, कितना अजीब लगेगा ना? नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे देश में अब ये कॉमन हो गया है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल नहीं पूछे जाते बल्कि जो विपक्ष में होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। कश्मीर को लेकर यही हो रहा है। क्या हो रहा है कश्मीर में और क्यों सत्ताधारियों से सवाल नहीं पूछे जा रहे, इस वीडियो ब्लॉग में तथ्यों के आधार पर इसी के बारे में बात करेंगे। कश्मीर में राज किसका? भाजपा का। कश्मीर में राज्यपाल किसका? भाजपा का। कश्मीर का राष्ट्रपति यानी हमारे देश का राष्ट्रपति किसका? भाजपा का। प्रधानमंत्री किसका? भाजपा का। कश्मीर में पुलिस किसकी? भाजपा की। गृह मंत्री किसके? भाजपा के। कश्मीर में आर्मी किसके हाथ में? भाजपा के हाथ में। लेकिन आज की तारीख में कश्मीर में जो भी हो रहा है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, किससे? भाजपा से नहीं, विपक्ष से, यहां तक कि किसानों से, किसान नेताओं से, कि वो कश्मीर पर क्यों नहीं बोलते, वो कश्मीर क्यों नहीं जाते। किसानों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कश्मीर में आतंकवादियों से जो लड़ रहे हैं वो इन किसानों के ही बेटे हैं। लेकिन विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि सवाल सत्ता में बैठे हुए लोगों से होने चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल उनसे नहीं पूछे जाते। इसकी दो वजह हैं। नंबर एक, ये जो लोग हैं मीडिया वाले हैं, आईटी सेल वाले हैं और जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, ये लोग जो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं ये खुद सत्ता से ये सवाल पूछने के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले नोटबंदी और फिर 370 हटने के बाद ये ऐलान कर दिया था कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। अब ये लोग किस मुंह से कहेंगे कि आतंकवादी लगातार कश्मीर में लोगों की हत्याएं कर रहे हैं? ये लोग अगर कहेंगे कि कश्मीर में तो हालात 1990 जैसे होते जा रहे हैं तो ये उनके सुप्रीम लीडर की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी। आज ही दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट छापते हुए लिखा है कि घाटी में 1990 के दशक के बाद सबसे बड़ा पलायन हो रहा है। घाटी में गैर मुस्लिम लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने उन्हें छुट्टी दे दी है ताकि वो अपने घरों में सुरक्षित रह सके, उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बावजूद इसके मीडिया में बैठे हुए लोगों का सरकार से सवाल करने में हलक सूख रहा है। और जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि विपक्ष चुप है, वो अपनी आंखें खोलकर देखेंगे तो उन्हें दिखेगा कि विपक्ष तो कश्मीर पर लगातार बोल रहा है, वो चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी या फिर दूसरे नेता हो, लेकिन मीडिया वाले विपक्ष वालों के बयानों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर विपक्ष के बयानों को दिखाया जाएगा तो बात दूर तक जाएगी, बात 1990 तक जाएगी और फिर एक्सपोज हो जाएगा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहशियत हुई थी उस दौरान देश में बीजेपी समर्थित सरकार थी, ना कि किसी विपक्ष की या कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त राज्यपाल के तौर पर बीजेपी समर्थित सरकार के नुमाइंदे कश्मीर पर शासन कर रहे थे, ना कि कांग्रेस के। आज ही कांग्रेस ने कश्मीर पर जो वीडियो जारी किया है उसमें भी ये बात बताई गई है, लेकिन किसी मीडिया वाले ने आपको नहीं दिखाया होगा। सच तो ये है कि बरसों बरस तक अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों को झूठ परोसा गया, तब जाकर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार का कलंक बीजेपी और बीजेपी समर्थित सरकार के माथे से हटकर कांग्रेस के माथे पर लग सका। ऐसे में अगर एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार के दौरान कश्मीर में गैर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो वो एक बार फिर बीजेपी के इतिहास को जिंदा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि घाटी में सिर्फ हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। दैनिक जागरण ने अपनी खबर में बताया है कि इस साल अब तक मारे गए 28 लोगों में से अल्पसंख्यकों की गिनती 6 से 7 है, बाकी सभी मुसलमान हैं। लेकिन सच ये भी है कि मुसलमानों को उनका धर्म पूछकर निशाना नहीं बनाया जा रहा, जबकि गैर मुसलमानों को उनका धर्म देखकर निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब केसरी
मिलिट्री ने बताया है कि 28 फरवरी को श्रीनगर में एक ढाबे के मालिक के बेटे आकाश मेहरा को आतंकवादियों ने मार डाला। 2 जून को त्राल में भाजपा नेता राकेश पंडित की हत्या कर दी गई। 17 सितंबर को कुलगाम इलाके में आतंकवादियों ने बंटू शर्मा नाम के पुलिस वाले को गोली मार दी। 28 सितंबर को कुलगाम में आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले शंकर कुमार चौधरी को मार डाला। 2 अक्टूबर को आतंकवादियों ने अनंतनाग स्थित कश्मीरी पंडितों की आस्था के केंद्र एक मंदिर में भारी तोड़फोड़ की। 5 अक्टूबर को आतंकवादियों ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहले कश्मीर में प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित और एक प्रसिद्ध मेडिकल स्टोर के मालिक माखनलाल बिंदु और फिर लाल बाजार इलाके में रेहड़ी लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी। और 7 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकवादियों ने स्कूल की प्रिंसिपल उपेंद्र कौर और कश्मीरी पंडित अध्यापक दीपक चंद की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने पहले सभी लोगों को बाहर बुलाया और उनके नाम पूछकर उक्त 2 अध्यापकों को गोली मार दी। 370 हटने के बाद हमने देखा कि कश्मीर में सरकार की तरफ से पहले के मुकाबले काफी सख्ती बरती गई और बड़ी तादाद में आतंकियों को मार गिराया गया। उम्मीद ये थी कि इस सख्ती के बाद भविष्य में इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे, बावजूद इसके आतंकवादियों का फिर से इस तरह से सिर उठाना देश के लिए चिंता की बात है। आज कश्मीर में जो हालात हैं, निश्चित तौर पर उसके बारे में बोलना और चर्चा करना जरूरी है, लेकिन इस घटना की तुलना लखीमपुर खीरी से करना सही नहीं है। कश्मीर का जिक्र करके लखीमपुर खीरी की वारदात को छोटा नहीं किया जा सकता। हमें लखीमपुर खीरी पर भी बात करनी चाहिए और कश्मीर पर भी। दोनों ही मुद्दों पर सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, ना कि विपक्ष की। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।